लोगे तुम मुझे वहाँ? आटा दाल रखते हैं जहाँ। चलो चलो चलो। दादाजी को नहीं छोड़ेगा। हाँ, मानो याद रहे इस बार तेरी बारी है। हाँ, मुझे याद है, पर पहले वो गेम तो ढूंढो। अरे बलू लल्लू वहाँ क्या ढूंढना है? वो देख गेम। क्या बात है बाबूजी, एक मिनट देख देख। क्या हैंडसम लग रहे बाबूजी। क्या बात है बाबूजी, वो आधी दाढ़ी आपको अच्छी नहीं लग रही थी, एक काम अच्छा किया इस पागल ने, आपकी दाढ़ी निकाल दी। माना जल्दी खेल। ये देख हथियार हमारे पास है। ये देख बाबूजी, डरिए मत, हथियार हमारे पास है ना बाबूजी। अरे एक बार ये हथियार उठ जाएगा मैं इसको मार दूंगा। मैं एक बार ये हथियार उठे बस यार। यार उठ गया। बाल बाल बच गए। एक चिट्ठी, जल्दी पढ़। दूर से आ रहा है करने कोई तुम्हारा शिकार, बचा नहीं कोई शिकार इसे कभी। जरूरत होगी तुम्हें उसके सर पर छाव देने वाली चीज की, उसके तले मिलेगी तुम्हारी मुझे मिलने की अगली कड़ी। अरे अबे शिकारी कौन सी नई मुसीबत है, अब हम क्या करें? मानो मेर, सबसे पहले हम इस घर के बाहर जाते हैं, वरना हमारे साथ साथ घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। तो चलो। हाँ हाँ चल चल। बालवीर, अब तुम्हारे अंत का खेल शुरू हो गया है, क्योंकि अब जो शिकारी आएगा उसे तुम बालवीर बनके ही हरा सकते। लेकिन अभी तो तुम सिर्फ बल्लू हो, शक्तिहीन बल्लू। शाबाश चक्रव्यूह परी, शाबाश। अब ये शिकारी करेगा तो शिकार बल्लू का, लेकिन हो जाएगा समाप्त बल्लू के रूप में बालवीर। बच्चों को बचाने वाला बालवीर, यानी बी बी बी, अब ना तो खुद को बचा पाएगा और ना ही इन प्यारे प्यारे सच्चे और अच्छे बच्चों को। हाँ तौबा तौबा, बालवीर का अंत अब करीब है, बहुत करीब, क्योंकि इस बार बुराई का हर चक्र चले चक्रव्यूह पर। समझ में नहीं आ रहा है कि एक जादुई बोर्ड गेम पृथ्वी ऊपर कैसे आ गई। और पता नहीं क्यों बालवीर भी हमारे बुलाने पे नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम दोबारा बुलाने की कोशिश करते हैं। बालवीर, बालवीर, बालवीर। कोई फायदा नहीं मानो मैं, तुम्हारा बालवीर
तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाएगा। मेरी सारी शक्तियां छीन चुकी है और मैं बल्लू बनके तुम सब के साथ इस गेम में फंस गया। और मुझे दुख है कि मेरे साथ साथ तुम दोनों की जान भी इस खतरनाक खेल में फंस गई है। मानो मैं ये मानव महल ये मानव मुझे लगता है इस बार गेम का कहा सच नहीं होने वाला है। हाँ, अगर होने वाला होता तो फिर वो शिकारी अब तक आ गया होता है ना। आज बच गए। तीर! इसका मतलब कि शिकारी आ गया है। शिकारी का मुकाबला नहीं कर सकते, हम सिर्फ भाग कर ही अपनी जान बचा सकते हैं। भागो भागो। वाह बस बच्चों, भेजते रहो ऐसे प्यारे प्यारे पत्र हमारे पास, क्योंकि आपके पत्र है लाते ढेर सारी खुशियां अपने साथ। बाल परी, हमारे पास समय बहुत कम है, आप तुरंत बालवीर को बुलाएं। जी रानी। बालवीर, बालवीर, मेहर बोलू। हाँ, हमें ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा, वरना वो शिकारी हमें कहीं पकड़ सकता है। हाँ, हमें हमें छुप छुप के आगे बढ़ना होगा। लेकिन बलू लल्लू यहाँ कहाँ छुपे, बोल ना। हे मोने को टेम्पो। बालपरी, लगता है बालवीर अब नहीं आएंगे, वो जरूर किसी मुश्किल में है। और परियों, हमें लगता है कि परी तारा का ये गुम हो जाना और बालवीर का ना आना, ये दोनों का सीधा सीधा संबंध है। रानी परी, बालवीर के हाथ पे परी तारा का चिन्ह ना होना मतलब उसके लिए बहुत बड़े खतरे की बात हो सकती है। हाँ रानी परी, परी तारा के चिन्ह के बिना बालवीर बल्लू से दोबारा बालवीर नहीं बन पाएगा। बिना अपनी जादुई शक्तियों के वो हमेशा शक्तिहीन रहेगा। रानी परी, ऐसी स्थिति में तो हम अपनी जादुई शक्तियों के बिना बालवीर को नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें लगता है कि इसमें भयंकर परी का हाथ है। हाँ परी, आप सब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम बालवीर को ढूंढने का हर संभव प्रयत्न करेंगे और साथ ही साथ भयंकर परी से भी कड़ी पूछताछ करें। परियों, इसीलिए कुछ परियां बालवीर को ढूंढने जाएंगी जी रानी, और कुछ परियां हमारे साथ भयानक लोक में जाएंगी जी रानी। जी रानी परी। अब हमारे हर प्रश्नों का उत्तर हमें भयंकर परी से ही मिलेगा।
मालूम है, अगर हमें शिकारी से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले गेम को ढूंढकर गेम का अगला पड़ाव खेलना होगा। हाँ, बल्लू वो जो पहली थी फिर से पढ़ना। हाँ, 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 याद करनी पड़ेगी। हाँ, करता हूँ करता हूँ। दूर से आ रहा एक शिकारी करने तुम्हारा शिकार, बचा नहीं आज तक कोई उस शिकारी से। जरूरत पड़ेगी तुम्हें उसके सर पर छाव देने वाली चीज की, उसके तले मिलेगी तुम्हें मुझे पाने की अगली कड़ी। देने वाली चीज कौन सी हो सकती है? मानव याद है शिकारी ने हैट पहनी हुई है। हाँ, और वो ही उसे छाव दे रही है। इसका मतलब कि हमें गेम का अगला क्लू उसके हैट के नीचे से मिलेगा। हाँ, तो हमें सबसे पहले उसकी हैट निकालनी होगी। अरे मैं, अगर हम लोग उस शिकारी का हैट निकालने जाएंगे ना, फिर हमारी जान निकलेगा। चिंता मत करो मानो, मैं इसका भी उपाय है मेरे पास। क्या, क्या? चल शिकारी के सर पे नहीं है बाल घने, लेकिन हो मैं बच्चों के खेलने की उस जगह जहाँ है हरी हरी घास घनी, वहीं पत्थर के बैठके के नीचे हूँ मैं पड़ी। मानो मेहर भागो। लो पड़ गया भारी बालवीर तुम्हारे इस शिकारी पे भी। चल क्या पता उसे कि है पड़ा कहा तुम्हारा वो चक्रव्यूह का खेल। सिर्फ पता लगाया है, अभी तक उसे खेल मिला नहीं है। और चाहिए भी नहीं मिलना, वरना बिगड़ जाएगा हमारा सारा बना बनाया खेल। होना चाहिए इस बार बुराई का ऐसा वार कि होकर ही रहे बालवीर का शिकार, समझे? पत्थर का बैठ का बाहर ढूंढेंगे। बलू वो जो पहली थी फिर से बोलना। अब शिकारी के सर पर नहीं है बाल घने, लेकिन हूँ मैं बच्चों के खेलने की जगह जहाँ है घास घनी, वहीं पत्थर के बैठके के तले हूँ मैं पड़ी। हरी हरी घास बैठ का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हरी हरी घास मतलब गाड़े। हम लोग तो गाड़े नहीं है। अब हमें वो पत्थर का बैठका ढूंढना है। वेरी गुड मालूम है। अब हमें जल्द से जल्द पत्थर का बैठका ढूंढना होगा। अब कहाँ है वो? मैं वहां जाकर अपना दाव खेलता हूँ, लेकिन तुम दोनों शिकारी से सावधान रहना, ठीक है? हाँ, तू जल्दी जा। बालवीर शिकारी के तीर के निशाने पर। अब बालवीर का अंत निश्चित, क्योंकि इस शिकारी के तीरों से कोई भी नहीं बच सकता।
हाँ हाँ होगा बुराई के तीरों की धार से बालवीर का शिकार। देखा बच गए, ये बच्चे फिर बच गए। अरे हाँ तोबा तोबा, है तू बेवकूफ सचमुच, गया समझ है ये भी एकदम नकारा बेकार और अनाड़ी बिल्कुल आपकी तरह। मतलब अगर करता रहा बालवीर ऐसे ही हर पड़ाव को पार, तो जीत जाएगा वो और मिलेगी इनको करारी हार। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि चक्रव्यूह के चक्रम में अभी बहुत खतरनाक पड़ाव बाकी। ये देखते, जिनमें बालवीर फंसेगा भी और बाहर भी नहीं निकल पाए। बुराई के सबसे बुरे चक्र चलाएगा चक्रव्यूह परी का ये खेल। चिट्ठी, एक और चिट्ठी, बस हो गया, अब मुझे गेम नहीं खेलना है। मुझे भी इस गेम से छुटकारा चाहिए। मालूम है, अगर हमें इस गेम से छुटकारा पाना है तो हमें ये गेम पूरी करनी होगी। हमें इसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचना ही पड़ेगा। तुझे ये सब कैसे पता बल्लू लल्लू? वो क्या, वो गेम के स्टार्टिंग में वो चिट्ठी में लिखा था ना कि हमें हर हाल में करना होगा ये गेम पूरा। तो हो सकता है कि अगर हम इस गेम से छुटकारा पाना चाहते हो तो हमें ये गेम पूरा करना ही पड़ेगा। हाँ बल्लू लल्लू, तू सही कह रहा है, हमें इस गेम से छुटकारा पाने के लिए सारे पड़ाव पार करने होंगे। पर पता नहीं अब ये गेम कब पूरी होगी, अभी तो और कितने सारे पड़ाव बाकी है। बल्लू तू ये चिट्ठी पढ़। हाँ, अगला खेल खेला जाएगा वहाँ बंजर जमीन है जहाँ। बंजर जमीन? बंजर जमीन मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते, वहाँ पे सब कुछ एकदम सूखा सूखा होता है। अब ये बंजर जमीन कहाँ से आएगा मेर? ये क्या है? परियो, हमारे लिए बालवीर को ढूंढना आसान नहीं होगा। हाँ और पार परी, हम उसे अपने जादू की मदद से भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि उस तक हमारा जादू पहुंच ही नहीं पा रहा है। परियो, हमें बालवीर को अलग अलग दिशाओं में जाकर ढूंढना होगा। पर बाल परी, हमें तो बहुत डर लग रहा है, लोग बहुत बड़ा है और हमारे पास समय बहुत कम। लेकिन हमें ये काम जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि परी तारा से मिली हुई शक्तियाँ ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। चलिए परियो। हाँ बाल परी, आप बिल्कुल सही कह रही है, चलिए।
है जिसकी अगली चाल वो लेना सांस संभल कर, वरना हर सांस के साथ होता जाएगा बड़ा बवंडर। पर उठना बवंडर का है जरूरी, तभी जमीन के सीने पर मेरे पते को पाने की हमारी ख्वाहिश होगी पूरी। ये तो बहुत अजीब सी पहेली है। हाँ, पर मैं जब पहेली इतनी मुश्किल है तो फिर आगे का पड़ाव कितना मुश्किल होगा। अरे चुप माना, पहले मुझे इस पहेली को समझने दे। है जिसकी अगली चाल वो लेना सांस संभाल कर, वरना हर सांस के साथ होता जाएगा बड़ा बवंडर। पर उठना बवंडर का है जरूरी, तभी जमीन के सीने पर मेरे पते को पाने की तुम्हारी ख्वाहिश होगी पूरी। अगली चाल तो मेरी है, पर मेरे सांस लेने पर बवंडर बड़ा होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे समझ में आ रहा है, बवंडर शुरू हो गया है। वो देखो, बवंडर मानो ये बवंडर तो है, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं है जितना पहली में लिखा था। पर बल्लू लल्लू, ये बवंडर भी तो हमारे लिए खतरनाक है। अरे अब क्या करूं, अब ये मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ करो प्लीज, जल्दी करो। मैं समझ गया, इस बवंडर का संबंध मेहर की सांस लेने से। मैं जैसे जैसे सांस लेगी ये बवंडर उतना ही बड़ा होता जाएगा। क्या? हाँ। इसे बोलते बैड लक की तकदीर खराब। कसम जज गेट की, अगर पुलिस का खतरा नहीं होता ना तो कब का भाग गया होता, मतलब कि बंटूस का गोली हो रहा होता। क्या आपकी भाजा ठीक हुई क्या? वही है। हाँ, खुजा बत्ती बुझा, इंटुकले पिंटुकले चुटकुले। ए बाप, चुटकुले नहीं होता है, चिंटुकले होता है। और कसम खार दांडा की, अपुन जैसा है ना वैसा ही रहेगा, अपना स्टाइल चेंज नहीं होएगा। महेश माँ, आप लोगों ने एक बात नोटिस की, बापूजी जो हर दो घंटे में अटकते थे वो आज सुबह से अटके ही नहीं है। बापूजी अटके नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कसम मिले पार्ले की, ये अटकने का क्या फंडा है बाप? अपुन नहीं अटका तो इन लोग को पता चल जाएगा कि अपुन वो नहीं है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इधर उधर की बात करता हूँ और फिर जान लेता हूँ ये अटकने का फंडा है क्या। अच्छा पंडर लोग, तुम लोगों को याद है क्या मैं कैसे अटकता था? बाबूजी, आपके अटकने के जितने तरीके हैं ना, हम सबको बराबर याद है। अब आप खाना खाते वक्त अटकेंगे तो कैसे अटकेंगे? और बाबूजी, आप जब चलते हैं ना तो चलते चलते आप ऐसे अटक जाएंगे। हाँ, और हाँ हाँ, जब आप वो सैक्रिफाइस करते ना तब आप ऐसे 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 अटक जाते। सैक्रिफाइस नहीं माँ, एक्सरसाइज। वही सेम टू सेम। कसम बोरी वल्ली की, अब अपने को पता चल गया कि अटकना किसको बोलते, थोड़ी देर के बाद अपुन भी अटक जाते। कसम चारकोप की, मैं अटक गया हूँ, मेरे दोनों हाथ ऊपर नीचे नहीं हो रहे। अभी अटकने का नाम लिया, बाबूजी अटक गए। कसम
जो भी की, ये कैसे लोगों के बीच में फंस गया मैं? अब इनको कैसे बताऊं कि मैं जिंदगी में कभी अटका नहीं। एक मिनट। तुम्हारे बापूजी कुछ कहना चाहते हैं क्या? और जोर से खींचे। बाबूजी, ये तरीका तो काम नहीं कर रहा है, कोई और तरीका ढूंढे। कसम कुरला ईस्ट की, अभी बहुत हो गया इन लोगों का। इन लोगों को रंगा के साथ पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। मैं क्या कह रहा था कि तू थोड़ी देर अपनी सांसें बंद नहीं कर सकती है क्या? प्लीज। क्या बोल रहे तू? अरे कोई अपनी सांस रोक सकता है क्या? बल्लू, वो जो पहेली थी वो फिर से याद कर, शायद कोई रास्ता निकल आए। हाँ, है जिसकी अगली चाल वो लेना सांस संभाल कर। वरना हर सांस के साथ होता जाएगा बड़ा बवंडर। पर उठना बवंडर का है जरूरी, तभी जमीन के सीने पर मेरे पते को पाने की तुम्हारी ख्वाहिश होगी पूरी, होगी पूरी, होगी पूरी। जमीन के सीने पर यानी जमीन के ऊपर? इसका मतलब है कि हमें उस बवंडर की मदद से जमीन के ऊपर कुछ मिलेगा जिससे हमें पता चलेगा कि वो गेम है कहाँ। पर ये सब होगा कैसे? मानो होगा, जरूर होगा, अगर हम अपनी पूरी हिम्मत और सूझबूझ से काम लेंगे तो जरूर होगा। हमें सबसे पहले कोई ऐसी ऊंची जगह ढूंढनी होगी जहाँ से हम पूरी जमीन को देख पाए। अरे लेकिन ऊंची जगह आएगी कहाँ से? आसमान से? मानो वो आएगी नहीं, वो यहीं पर है, वो देखो। मानव, अगर इंसान चांद तक पहुंच चुका है, माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच चुका है, तो हम ये पहाड़ नहीं चढ़ सकते? चढ़ सकते नहीं, चढ़ना ही होगा। वो देखो, वो कितने करीब आ गया है, भागो! पेड़ कहाँ से आ गया? हर सूखी जमीन का कोई एक ना एक हिस्सा तो ऐसा होता ही है जहाँ पर जमीन सूखी नहीं होती और इसलिए वहाँ पर हरा भरा पेड़ होता है। मानव, बल्लू, अब हम थोड़ी देर रुक जाते हैं क्योंकि इतनी तेज भागने की वजह से मेरी सांस बहुत ही तेज चल रही है और उसकी वजह से ये बवंडर बड़ा हो रहा है। मैं थोड़ा अपने सांसों पे कंट्रोल कर, उन्हें बवंडर आउट ऑफ कंट्रोल जाए। मानो होगा क्या, वो ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि वो देख बवंडर बड़ा होता जा रहा है। मानो एक काम करो, तुम यहीं पर रहकर महर का ख्याल रखो, मैं आता हूँ। अरे बोलो तू कहाँ जा रहा है? पहाड़ की चोटी पर।
मैं क्या करूं? ये बाउंडर तो मेरे पास ही आ रहा है। बल्लू, बल्लू। मेरी आवाज तो बल्लू के पास पहुंच नहीं रही है, अब मैं क्या करूं? मानव, देखा, देखा भयंकर परी, मेरे चक्रव्यूह का चक्रम देखा? मेरे चक्रव्यूह के चक्रम से कोई बच नहीं पाया। जैसे मानव इस बवंडर के अंदर चला गया, वैसे ही महर और बालवीर, ये दोनों मेरे बवंडर के अंदर चले जाए और फिर कभी वापस नहीं आए, क्योंकि ये बवंडर तभी रुकेगा जब महर की सांसें रुकेंगी। और कर नहीं सकती बंद मेहर अपनी सांस, क्यों? क्योंकि है वो एक इंसान, है रह सकता इंसान हर चीज के बिना, पर नहीं रह सकता कभी अपनी सांस के बिना। वाह चक्रव्यूह परी, वाह, है क्या कमाल का चक्रव्यूह रचा आपने, वाह। हो गया ये महान शूरवीर तोबा तोबा तुम पर खुश। अब देख मेरा ये बवंडर महर को भी अपनी चपेट में ले लेगा और फिर बचा बालवीर, वो तो इन बच्चों को बचाने के लिए अपने आप खींचा चलाएगा। मेरे बनाए हुए बवंडर में बल्लू चक्रव्यूह के चक्रव्यूह में फंस गया है तू। बुराई के हर चक्र से बुरी हूं मैं, मैं हूं चक्रव्यूह पर। अरे ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए, अभी इन लोगों को उलझा के यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। सुपारी और रामपुरी खाओगे? पानीपुरी? पानीपुरी हाँ बॉस, आप जो खुशी खुशी खिलाएगा ना, अपन खुशी खुशी खा लेगा। खा लेगा तो आज खा लो पानीपुरी। ओ भाई साहब, इनको है ना जी भर के पानी पूरी खिलाना। भाई साहब मेरे पीछे ना गुंडे पड़े, घर जाना है, एड्रेस रिक्शा में बैठ के देता हूँ। एड्रेस पता है अपने घर का? अरे वाह, अरे कहाँ जा रहे हो? ओ भाई ओ, अकेले अकेले नहीं जाना था, मुझे भी साथ में लेके जाना था, क्या करूं? भाई साहब चलोगे? हाँ क्यों नहीं चलूंगा। अरे अकेले तुझे ही नहीं चलना था, मुझे भी चलना था रिक्शा में, क्या करूं इन लोगों का। इस बार बिना कुछ बोले ही रिक्शा में बैठ जाता हूँ, वरना ये भी भाग जाएगा। भैया मेरे पीछे गुंडे पड़े, मुझे घर ले चलो। मैं क्यों लेके जाऊँ आपको अपने घर, मैं कुछ चला जाता हूँ। ये अरे सुनो, अरे आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब पैदल घर जाऊंगा लेकिन रिक्शा में बैठ के तो नहीं जाऊंगा। हेलो, एक काम करता हूँ, इस टेम्पो में बैठ जाता हूँ, जहाँ ये टेम्पो रुकेगा वहाँ उतर जाऊंगा और वहां से घर चला जाऊंगा। कम से कम इन गुंडों से तो छुटकारा मिल जाएगा। अभी माल का पैकिंग होने में टाइम है, तो ये टेम्पो चलाकर देखना था ना, जा एक मार्केट में राउंड लगाओ। जी सर। हाँ आखिर में उन गुंडों से छुटकारा मिल ही गया। क्या नाम था उनका? सुपारी और रामपुरी। यस बॉस, हम लोग यहाँ हैं। पानी पूरी खा के एकदम मजा आ गया है। हाँ। ये हुई ना रंगा बॉस की तरह बात, एकदम जकास।
चल भाई अपन कल्टी मारते यहाँ से। बॉस चलो बॉस चलो। क्या हुआ आर पार परी, कुछ पता चला बालवीर का? नहीं पता थी परी, हमने आधा पृथ्वी लोग ढूंढ लिया है लेकिन बालवीर का कहीं कोई पता नहीं चला। भटकाती परी, अगर बालवीर नहीं मिला तो? हिम्मत रखिए आर पार परी, बालवीर हमें जरूर मिलेगा। अभी तो आधा पृथ्वी लोग ढूंढना और बाकी है, चलिए उसे ढूंढते। चलिए। सूखा ही सूखा जहाँ उस सूखे से लड़ता है एक हरा पेड़, वहाँ उत्तर में उसके उसके इरादे जैसा बुलंद कुछ, उसी बुलंद चीज से मेरा पता पूछ। इस सूखी जमीन पर, यानी इस बंजर जमीन पर सिर्फ एक ही हरा पेड़ है। हाँ, वही पेड़ जहाँ पर मानो मेहर खड़े हैं, और उसकी उत्तर दिशा में बुलंद कुछ यानी पत्थर जैसा मजबूत और कठोर क्या हो सकता है? हाँ, ये चट्टान, यानी वो गेम इसी चट्टान के अंदर है। हाँ, मुझे अभी मेहर के पास जाना चाहिए। मेर मानो कहाँ है? मानो उस बाउंडर के अंदर फंस गया है। देखो मेर, तुम रो मत, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम अपनी बारी जल्द से जल्द खेलोगी तो ये बाउंडर गायब हो जाएगा, इसलिए जाओ अपनी बारी खेलो। लेकिन वो गेम गए, वो उस पत्थर से जाके पूछो, जाओ जल्दी। गेम कहाँ है? बोलो हमारी गेम कहाँ है? मेर जल्दी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बालवीर कहाँ है, कहाँ गायब हो गया। सब बालवीर को ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन बालवीर का अंत एक ऐसी पहेली की तरह बन जाएगा जिसे कोई नहीं सुलझा पाएगा। भयंकर परी, भयंकर भयंकर परी, कहाँ हो तुम? रानी परी, ये परियां यहाँ पर कैसे आ गई? भयंकर परी, अगर ये परियां महल के अंदर आ गई तो इन्हें हमारा सारा खेल समझ में आ जाएगा, और फिर वो कैसे भी करके बालवीर को बचा लेगी। नहीं, परियां अंदर नहीं आई, मैं कैसे भी करके उन्हें अपनी बातों में ऐसा उलझा दूंगी कि वो तुम्हें ढूंढने चली जाएंगी। क्या मतलब? मतलब समझ में आ जाएगा तुम्हें। कसम बांद्रा इसकी, इतनी वाट तो मेरी जेल में भी नहीं लगी।
जितनी इन लोगों ने मेरी वाट लगाई है। लेकिन वाट का बदला वाट। कसम चोर बाजार की, अब इस घर में चोरी करके ही जाऊंगा। अरे कौन आ रहा है? दाढ़ी के साथ मेरी मूंछ भी चली जाएगी, छुप जाने दे। बहू ने ये गहने जोकर में रखने को कहा है, संभाल के रख दे। जोकर नहीं माँ, लॉकर। गहने लॉकर में रख दो। कसम बदलापुर की, अभी तो अपुन इन गहनों पे हाथ साफ करके जाएगा। जैसे इन लोगों ने अपुन की दाढ़ी में एक बाल नहीं छोड़ा, वैसे अपुन भी इस घर में एक सुई नहीं छोड़ेगा। कहाँ हो भयंकर परी? हमारे सामने आओ भयंकर परी। खबरदार परियों, खबरदार परियों, खबरदार परियों, खबरदार। अगर अपनी अच्छाई के कदम तेरी बुराई के महल में रखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, बुरी तो तुम हो, लेकिन आज आज ना तुम बचोगी और ना तुम्हारी ये बुराई बचेगी। हाँ भयंकर परी, आज हम तुम्हें और तुम्हारी बुराई को नष्ट करने आए हैं। अगर खैर चाहती हो तो हमें बता दो कि बालवीर और परी तारा कहाँ है। धमकी? भयंकर परी को धमकी? तुम परियां जानती हो ना कि अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें कौन बताएगा कि बालवीर और परितारा कहाँ हैं? भयंकर परी, हमें सच्चाई जानने के और भी तरीके आते हैं। संभालिए विजदार परी। विजदार परी, एक कदम आगे और बढ़ाया तो चलने के लायक भी नहीं रह जाओगी। तुम परियों ने सही अंदाजा लगाया कि परी तारा और बालवीर के गायब होने के पीछे किसी बुरी शक्ति का हाथ है। लेकिन तुम परियां गलत जगह आ गई हो, क्योंकि वो परी मैं नहीं हूं, कोई और है। हमें अपने शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सब के पीछे तुम्हारी कोई चाल है। काश कि ये मेरी चाल होती, लेकिन परियों अगर ये मेरी चाल होती तो तुम सब यहां से वहां आजाद नहीं घूम रही होती। ये सब मैंने नहीं किया है, ये सारा खेल तो चक्रव्यूह परी का रचा है। चक्रव्यूह परी? हाँ, चक्रव्यूह। और ऐसा चक्रव्यूह जिसमें फंस कर बालवीर तो क्या कोई नहीं निकल सकता। रानी परी तुम भी नहीं। ऐसा चक्रव्यूह जिसमें सिर्फ बालवीर ही नहीं बल्कि परी तारा भी समाप्त हो जाएगा। और अगर परी तारा समाप्त हो गया तो तुम सब भी समाप्त हो जाओगे, क्योंकि परी तारे के बिना तुम सब वैसी हो जैसे जल बिना मछली। मेरे यहां शोर मचाने से अच्छा है कि तुम जाकर उस चक्रव्यूह परी को ढूंढो, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है बालवीर भी अपने अंत की ओर बढ़ता जा रहा है। नहीं भयंकर, ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले हम चक्रव्यूह परी का अंत कर देंगे। और हाँ भयंकर भाई, अभी तो हम तुम्हें सिर्फ एक चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन अगर हमें जरा से भी भनक पड़ी कि सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, हम तुम्हारा अंत नहीं करेंगे, बल्कि हम तुम्हें आजीवन कारावास में डाल देंगे, जहाँ तुम अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतती रहोगी। सुना तुमने रानी परी?
हमें भयंकर परी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। बाल परी, हम आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन हम क्या करें? इस समय हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अगर सच में बालवीर चक्रव्यूह परी के पास है तो हमें जल्द से जल्द उस चक्रव्यूह परी को ढूंढ कर हमारे बालवीर को वापस लाना होगा। चलिए परी। चक्रव्यूह परी, तौबा तौबा, बाहर आ जाओ, खतरा टल गया है। परियों, तुम जिस चक्रव्यूह परी को ढूंढ रही हो वो मेरे पास है, सुरक्षित। और जब तक तुम्हें पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बालवीर बुराई के चक्रव्यूह में फंसकर समाप्त हो चुका होगा। इस बार मैं एक तीर से तीन निशाने लगाऊंगा। पहला परी तारा, दूसरा बालवीर, और तीसरा तुम सब परियां। इस बार मेरे एक बार मेरे एक बार मेरे पूरे ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड पूरे सच्चाई सच्चाई और अच्छाई और अच्छाई समा समा। अरे ये बवंडर तो मेरी ओर ही आ रहा है, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने कुछ नहीं किया फिर ये मुझे भी निकल जाएगा, फिर मैं बंदू और मानव को नहीं बचा पाऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे लगा था कि मैंने तुम दोनों को खो दिया। मेहर, अगर तू 2 सेकंड और लेट करती तो फिर तू भी इस बाउंडर के चपेट में आ जाती, फिर हम तीनों का गेम ओवर हो जाता हमेशा हमेशा के लिए। सॉरी मानव, एक्चुअली मैं बहुत डर गई थी इसलिए ऐसा हुआ। मेहर, ये डरने का समय नहीं, कुछ करने का समय है, इसलिए हमें जल्द से जल्द ये गेम पूरी करनी होगी। हाँ चलो। हाँ ये सब क्या हो रहा है चक्रव्यूह परी? ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे इस चक्रव्यूह के सारे खेल समाप्त हो जाएंगे और बुराई का सबसे बड़ा दुश्मन बालवीर समाप्त नहीं होगा। और अगर बालवीर समाप्त नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगी। अरे परी भयंकर, करना क्या इसका विनाश है, ये तो पहले से ही विनाशकारी हमारे लिए। सबसे पहले गया इसका दुखड़ा अड्डा, फिर बाद में गया काम से इसका आदि मानो। और तो और हो गया अब इसके बवंडर का बंटा था, और इतना सब होने के बाद है क्या बचा इस हारी हुई चक्रव्यूह परी के पास? नहीं, मैं हारी नहीं हूं। चक्रव्यूह परी
कभी नहीं हारती। अभी तो मेरा असली खेल शुरू हुआ है। इन बच्चों के दिल में डर ने अपनी जगह बना ली है भयंकर परी, और अब ये डर इनके सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देगा। अब तक तो ये जैसे तैसे बच गए, पर अगली बार मेरे चक्रम से इनका अंत निश्चित है। अब बुराई के चक्र का असली चक्रव्यूह दिखाएगी ये चक्रव्यूह परी, और इसी का इंतजार है मुझे, सच्चाई और अच्छाई के हर साथी का। नामो निशान मिटा देना चाहती हूँ मैं। ये हो गया लॉक, और ये अब दरवाजा भी चेक कर लो। अरे बाप रे, ये तो आगे आ गया। इसके पहले कि फिर से किसी पर गिरे, इसे ठीक करवा देती हूँ। रॉकी को बुलाती हूँ। रॉकी बेटा, या कसम उसी वरा की, बाप अभी तक है ना ये फैमिली वाले का टाइम चल रहा था, अभी रंगा तेरा टाइम शुरू हो गया। अभी अपन यहाँ से ये फैमिली का टाइम खराब करके जाएगा। कसम माहिम की, बाप खुल जाना। भूकंप आया था। अरे बाप, इधर कोई भूकंप नहीं आया था। मैं ये कपाट में से कपड़े निकाल रहा था, कपड़े तो नहीं निकले लेकिन ये सब आइटम निकली। पहले बापू जी पे ये सूटकेस गिरा ऐसे, क्या कर रहे तू? और फिर उसके बाद ये हांडी कसम चुना भट्टी की, इन लोग ने मार मार के अपुन का ऑर्केस्ट्रा बना डाला है, लेकिन एक एक का बदला लेगा। एक एक माना, अब इस गेम को पूरा होने में सिर्फ कुछ ही चाले बची है, इसलिए अब तुम बिल्कुल भी मत डर, जल्द से जल्द चिट्ठी पढ़ो और आगे बढ़ो। बढ़ माना। हाँ पढ़ता हूँ। है जिसकी अगली चाल वो बनेगा एक खतरनाक पक्षी का आहार, होगा मेरा निकलना उस बच्चे के खाने के द्वार। खतरनाक पक्षी आहार द्वार, बलू तुझे को समझ में आया? थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा ना। अरे यार लल्लू, पर मेरी पूरी तरह समझ में आ गया, अगली चाल मेरी है और मैं एक बहुत बड़े खतरनाक पक्षी के बच्चे का आहार बनने वाला हूँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।